रिटर्न्स का चैप्टर अपन आज शुरू करने वाले हैं। और जैसा कल डिस्कस हुआ था कि ये रिटर्न्स के चैप्टर के ऊपर ज़्यादा स्पेस देके मतलब नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से नए रिटर्न्स के कॉन्सेप्ट आएंगे। सिर्फ एक एकेडमिकल बैकग्राउंड देने के लिए आज अपन इसको रिव्यू करेंगे। सेक्शन 37 से ये रिटर्न्स के चैप्टर शुरू होते हैं जीएसटी के अंदर। और कल जैसा डिस्कस किया था 3B और GSTR 1, ये दो ही मेन अपने को रिटर्न हैं GSTR 1। 3B क्या है? 3B ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, जैसे आप इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करते हैं, वो हिसाब से कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अगर कैलकुलेट करना है जीएसटी में तो ये रिटर्न है। और इसको 20 तारीख तक फिलअप करके अपने को अपलोड करना है। ये 3B जो है इसके अंदर अलग अलग टेबल्स दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, नेट कितना टैक्स आ रहा है, कितना टैक्स कैरी फॉरवर्ड था, ये क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड था, कितना यूटिलाइज किया, इसका वो पूरा इफेक्ट होता है। GSTR 1 जो है ये आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई ये डिटेल्स है, दिस इज डिटेल्स। यहाँ पर जो हम बेच रहे हैं, जो माल हम बाहर दे रहे हैं, जो सर्विसेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी की इंफॉर्मेशन आउटवर्ड सप्लाई में देंगे। आउटवर्ड सप्लाई ये इनवॉइस वाइज जाता है, तो दिस इज डिटेल्स, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। GSTR 1 इज अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। 3B जो है ये कंपटीशन ऑफ टैक्स के जैसा है, ये एवरेज फॉर्म में है, यानी ये एक शॉर्टकट आया है। आपने देखा होगा कि बहुत बवाल हुआ था कि 4-4 रिटर्न्स है, 5-5 रिटर्न्स है, बहुत मुश्किल होने वाली है, तो एक शॉर्टकट उन्होंने निकाली कि 3B भरो और रिटर्न फाइल कर दो, आप टैक्स पे कर दो। तो 3B के जरिए एक शॉर्टकट मेथड आई, पर उसी को उन्होंने लॉन्ग रन में इम्प्लीमेंट कर दिया। आज भी ये 3B रिटर्न चल रहा है, GSTR 1 भी भरना पड़ता है। जो कंपोजिशन डीलर्स हैं उनके लिए GSTR 4 है, जो कि वो नॉर्मल सी के अंदर क्वार्टरली फिलअप करते हैं। तो पढ़ाई के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये दो रिटर्न तो हर एक को कॉन्स्टेंट है, नॉर्मल डीलर को ये भरना ही भरना है, ये स्टेट वाइज भरना है। जितने आपके पास GST नंबर है उतने रिटर्न आपको भरना है। सो GST नंबर वाइज एंड स्टेट वाइज, कोई 4 स्टेट के अंदर उसके बिजनेस होंगे, 4 GST नंबर होंगे, तो 4 3B जाएंगे, 4 GSTR 1 जाएंगे। दूसरा इसकी पीरियड, पीरियड मंथली और क्वार्टरली, दो ही पीरियड है, मंथली या क्वार्टरली। 1.5 करोड़ के ऊपर अगर गया टर्नओवर मंथली, उसके नीचे है तो क्वार्टरली। अब ये 1.5 करोड़ के ऊपर जाएगा क्या नहीं जाएगा, ये साल के शुरुआत में ही डिटरमाइन करना पड़ता है। फिर 1.5 करोड़ के क्रॉस भी हो गया तो ही वो क्वार्टरली में चलता है, नेक्स्ट ईयर से फिर वो मंथली में आता है। इसके बहुत अलग 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 इश्यूज आते हैं कि हम मंथली में जाएंगे या क्वार्टर में जाएंगे। नया बंदा जो है फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हुआ है, उसको तो पता ही नहीं है कि टर्नओवर कितना है, तो वो क्वार्टरली भरेगा या मंथली भरेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। फिर बाद में कंपोजिशन से नॉर्मल डीलर में कन्वर्ट हो गया, तो कंपोजिशन में GSTR 4 भरता था, बाद में वो अब 3B भरेगा। हमने पहले देखा कि ITC कंपोजिशन वालों को नहीं मिलता, नॉर्मल डीलर बनने के बाद ITC मिलता है, तो पूरी प्रोसेस चेंज हो जाती है। ये 3B और GSTR 1 ये हर एक को भरना कंपलसरी है, सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन वालों को इसमें से बाहर रखा गया है। अब हम आते हैं परचेस साइड में, तो परचेस साइड में तो कोई भी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं
नहीं आ रहे, 2A जनरेट हो रहा है जीएसटीएम नेटवर्क के ऊपर, तो और एक आ गया हमारे इसमें 2K। अब ये 2A क्या है? 2A सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि आईटीसी के हिसाब से आपके परचेजेस कितने हो रहे हैं, कि ये लोगों ने आपके नाम से सेल बुक किया है और ये आपके नाम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे बैंक अकाउंट रहता है, बैंक अकाउंट के अंदर हमने सामने वाले को पेमेंट किया तो वो एंट्री आती है, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि सामने वाले को पेमेंट मिल गया। आपने चेक इशू किया, आपके बुक्स में एंट्री कर ली, वो इशू अलग हो गया। पर जब बैंक उसको क्लियर करेगी तभी आपके स्टेटमेंट में एंट्री आएगी। वैसे ही आपने परचेजेस बुक कर ली है, यह आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आ गया, पर जीएसटीएन नेटवर्क इसको कहां बताता है? 2A के अंदर। अब ये 2A जो है ये कोई अभी फाइनल्स नहीं हो रहे हैं, इसके लिए मार्च 2019 तक इसको बढ़ा दिया है। आईटीसी क्लेम करना अगर है तो 1 जुलाई 2017 से लेके मार्च 2018 का पीरियड खत्म हो गया है, 1 अप्रैल 2018 से लेके आगे का पीरियड शुरू है। हमने सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 आईटीसी का देखा था कि पुराना जो भी आईटीसी है वो कब तक लेना है? सितंबर तक, पर इसको उन्होंने बढ़ा दिया, 1 जनवरी 2019 को अमेंडमेंट्स आई। अपने जो यूट्यूब चैनल है या जो कर नीति आता है उसके अंदर 1 जनवरी 2019 के अमेंडमेंट्स इस बार के आर्टिकल्स में अपने डाली है, तो उसको आप रेफर करोगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स के अंदर कोई सेक्शन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्होंने शॉर्टकट्स निकाल के सेक्शन को भी एक्सटेंड कर दिए कि ये 3 के जगह 3B जाएगा, 1 GSTR 1 2 है, 2 उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। फिर आते हैं हम एनुअल रिटर्न्स के ऊपर, एनुअल रिटर्न्स 9C 9 कंपोजिशन वालों को 9A, ये भी फॉर्म्स आए हैं पर अभी तक हम इसको फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी भी डेट बढ़ा के 30 जून 2019 इन्होंने कर दी है। तो एकेडेमिकली अगर आप देखोगे तो सेक्शन के हिसाब से तो बहुत सारे रिटर्न दिए हैं पर प्रैक्टिकली वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लॉ तो बोल रहा है कि ऐसा करो पर सिस्टम सपोर्ट नहीं, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट नहीं, जीएसटीएन नेटवर्क वैसे काम नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा कंफ्यूजन और डिलेमा है कि ये जीएसटीएन नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है, टेक्निकल इशू आ रहे हैं, इसके वजह से वो ठीक तरीके से रिटर्न्स का मॉड्यूल इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे। सो व्हाटएवर वी आर गोइंग टू लर्न इज जस्ट अ शॉर्टकट कि 3B एंड GSTR 1। कंप्लीट पिक्चर जो है ये 1 अप्रैल 2019 के बाद में ही आएगा। नए रिटर्न्स के फॉर्मेट्स आने वाले हैं, हर असेसी वाइज रिटर्न्स थोड़े चेंज हो रहे हैं, फिर मंथली आएंगे, क्वार्टरली आएंगे, कंपोजिशंस वालों को चेंज होगा, 1.5 करोड़ के नीचे वालों को क्या रहेगा, ट्रेडर्स को कुछ अलग आएगा, मैन्युफैक्चरर्स को कुछ अलग आएगा, तो ये अपने को वॉच करना पड़ेगा। तो अपन सिर्फ एक रिव्यू ले लेते हैं आप सेक्शन 37 का। सेक्शन 37 का शुरुआत क्या है? फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड, आउटवर्ड सप्लाई मतलब क्या हुआ? तो आउटवर्ड सप्लाई कहां फर्निश कर रहे हैं अपन? GSTR 1। तो सेक्शन 37 वहां बोलता है कि एवरी पर्सन अदर देन ISD जो TDS के लिए लिया है नंबर, जिसने TCS के नंबर लिया है, ये सब छोड़ के, फिर बाद में कंपोजिशन वाला छोड़ के, यानी सेक्शन 10 वाला छोड़ दिया, सेक्शन 51, 52 छोड़ दिए ये लोगों ने, यानी नॉर्मल डीलर ने क्या करना है? आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल भरने हैं, वो GSTR 1 के अंदर भरने हैं। अब GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है? क्या है? 10 है, 11 है या 20 है? और ये जो रिटर्न हम भरते हैं 11 तारीख को, उसके बाद में क्या आता है? 3B। तो ये एक
फॉर्मेट में काम चलता है, पर अभी लेट फीस वगैरह भी बीच में लगाई थी, अभी निकाल दिए गए हैं, तो लेट फीस के ऊपर भी बहुत बवाल हुआ था, 10 रुपया 25 रुपये तक इसको रिड्यूस कर दी है। तो ये जो आज का जो लॉ है वो ये है कि करंट ईयर के अगर आप रिटर्न्स भरोगे दिसंबर के नवंबर तक के तो लेट फीस लेट थी, सितंबर 18 तक के जो भी रिटर्न्स है वो 22 दिसंबर से लेके मार्च तक भरोगे तो लेट फीस नहीं है, तो एक छूट दी गई है कि लेट फीस नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकली, आप कभी ऑफिस में जाएंगे तो उसके लिए, एग्जाम्स के हिसाब से ये नहीं रहेगा। एग्जाम्स में जो 37 जो सेक्शन है या 38 में 39 में 40 41 42 में जो है वही रहेगा। तो सेक्शन 37 जो है ये बोलता है कि आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स देना है, ये सारे के सारे जो आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल हैं, ये जो भी पीरियड रहेगा वो हिसाब से इसको देना है, जो फॉर्मेट डिस्क्राइब होगा वो फॉर्मेट में देना है। ये रूल्स में बताया है कि कौन से फॉर्मेट में देना है, तो रूल्स के अंदर GSTR 1A फॉर्म आपको दिखेगा। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 है कि ये जो भी डिटेल्स रहेंगे ये अपलोड करने पड़ेंगे, ये अपलोड होने के बाद में आपको सामने वाला इसको चेक करेगा उसके 2A के अंदर, GSTR 1 में जो भी डेटा जाएगा वो कहाँ होगा, 2A में चेक होगा। ये 3 जो सेक्शन है उसके अंदर इसको मिसमैच मैचिंग के अंदर भी इसको क्रॉस चेक होगा। GSTR 1 के अंदर जो टर्नओवर बताया वो 3B से टैली होना चाहिए, GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई जितनी बताई है वो किससे टैली होना चाहिए, उस मंथ में नहीं हुई तो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, मिसमैच है, इसका भी होगा। वो मैच मिसमैच जो है ये 41 और 42 सेक्शंस के हिसाब से होगा। नो रेक्टिफिकेशन ऑफ GSTR 1, GSTR 1 में जो डेटा चला गया वो फाइनल रहेगा। रेक्टिफिकेशन आपको कौन से चीजों का होगा उसका भी स्पेसिफिक फॉर्मेट है, यू कैन नॉट डिलीट, यू कैन मॉडिफाई। तो रेक्टिफिकेशन को भी उन्होंने नियम लगाए हैं कि क्या कर सकते हैं, नया इनवॉइस आप फीड कर सकते हैं। मेरा 10 लाख का टर्नओवर था और गलती से 9,90,000 का ही टर्नओवर गया, 10,000 रुपए का एक इनवॉइस रह गया, तो वो GSTR 1 में आप फीड कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर। ए को सेल देना था वो बी को चला गया, उसका रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। एक वो सेल चला गया जो कि किसी को जाना ही नहीं था, गलती से एक इनवॉइस अपलोड हो गया, कोई चेंजेस अलाउड नहीं होते, ऐसे कई सारे चीजें हैं जो अलाउ होगी नहीं अलाउ होगी, कुछ लॉ के हिसाब से चल रहा है और कुछ जीएसटी नेटवर्क के हिसाब से चल रहा है। हम तो ये बोलते हैं कि कितने जीएसटी चल रहे हैं आज, 3 जीएसटी, एक लॉ, एक जीएसटी वाला नेटवर्क वाला चल रहा है और एक अपन अपने हिसाब से खुद को खुद चल रहा है, इसको जैसा समझा वैसे, ये 3 जीएसटी के लॉ चल रहे हैं। बाद में आते हैं सेक्शन 38, सेक्शन 38 है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड, इसको अपन ड्रॉप कर देंगे फिलहाल, को भी इसका कोई इंप्लीमेंटेशन इनवर्ड सप्लाई के डिटेल्स देने का वगैरह अभी तक इसको पूरा पोस्टपोन कर दिया है। और अगर सही मायने से देखते थे यह बहुत ही बढ़िया काम चलता था, तो ये ऐसी सिस्टम कोई वर्ल्ड में नहीं थी जो अपने इंडिया में आने वाली, बहुत अच्छी सिस्टम थी। तीन वर्ड आप चेक कर लो, 11 तारीख को आउटवर्ड चला गया, 12-13 तारीख को आपको 2A दिख जाएगा, वो 2A के अंदर आप परचेजेस चेक कर लो फटाफट, उसमें क्या करेक्शन है वो बता दो, सामने वाला भी उसमें करेक्शन कर देगा, आप भी करेक्शन कर दोगे फटाफट, 17-18 तारीख तक ये क्लोज हो जाएगा, 19-20 तारीख तक आपकी लायबिलिटी फाइनल टैक्स पे कर दिया, विषय खत्म, यानी एकदम आइडियल पोजिशन। पर भारत में होता है कैसे,
पुणे के अंदर हेलमेट पहनने वालों को पेनल्टी लग रही है, तो उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, जो पेनल्टी लगा है। हेलमेट पहनने के लिए हमारे को टाइम नहीं है, सिग्नल के ऊपर रुकने को हमको टाइम नहीं है, हम रुक गए तो बेवकूफ, छोड़ के चला गया वो होशियार। तो वो हिसाब से ये लॉ इतना अच्छा बना हुआ था, पर ये सिस्टम ही खराब हो गई, सिस्टम खराब हो गई, तो उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। फिर आया फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, सेक्शन 39 जो है ये बोलता है कि जब इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज के आपके पूरे डेटा मैच हो जाएगा तो आपने रिटर्न भरना है। तो व्हाट इज लॉ कि GSTR 1 चला गया मेरा 11 तारीख को, 15 तारीख तक GSTR 2 भी मेरा चेक हो गया था, अब मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं। तो अभी ये सेक्शन 39 फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स की बात कर रहा है, तो अब उसकी जगह किसने दे दी है, 3B 20 तारीख तक 3B अपने को देना है। तो सेक्शन 39 के हिसाब से वो सब डिटेल्स यहाँ पे दिए है। ये पूरा सेक्शन 39 जो है ये अभी अपने लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं इन ट्रू स्पिरिट। 39 के हिसाब से अभी ये 3B दे देना है, 3B के हिसाब से ये कर देना है। 3B इज ऑल्सो नॉट अ रिटर्न, इट इज नॉट अ कंप्लीट रिटर्न, क्योंकि जब 3B आप भरते हो तो ITC के बारे में कुछ लिखते हो, कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट क्या है क्या नहीं, आउटवर्ड सप्लाईज का पूरा डिटेल देते हो, नहीं देते हो। तो अब 3B में कुछ गया है, GSTR 1 में कुछ गया है, अब वो एनुअल रिटर्न में सुधारना है, ऑडिट के अंदर इसको सुधारना है। ऑडिट का फॉर्मेट ऐसा था कि सुधर ही नहीं सकता था, जो आया है वही देना है, एनुअल रिटर्न का भी फॉर्मेट वैसा ही था। तो अगर इसको ठीक करना है तो रिवाइज रिटर्न का एक प्रोविजन आना चाहिए, पर अभी तक तो कुछ वैसा हिसाब दिख नहीं रहा है। लेट्स सी व्हाट कम्स इन फ्यूचर। सेक्शन 40 आता है बाद में फर्स्ट रिटर्न का। फर्स्ट रिटर्न ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, जिसने पहली बार रजिस्ट्रेशन लिया, फर्स्ट टाइम जिसने रजिस्ट्रेशन लिया, तो उसका पहला रिटर्न जाएगा। पहला रिटर्न उसका कब से जाएगा उसके बारे में यहाँ दिया है। आउटवर्ड सप्लाई इन द पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड शैल बी डिक्लेयर इन द सेम फर्स्ट रिटर्न। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर चर्चा की, 1 जनवरी को मेरा 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो गया, 2 जनवरी को मैंने एप्लीकेशन किया और 7 जनवरी को मेरे को रजिस्ट्रेशन मिला, तो मैं 1 जनवरी से पूरा डेटा दूंगा मेरे 3B के अंदर और GSTR 1 के अंदर। तो फर्स्ट रिटर्न जब जाएगा उसमें मेरे को पूरी मालूमात देने की है। अब सेक्शन 41 के ऊपर है, क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस थेरॉफ। ये पहले था कि आप जो भी ITC क्लेम कर रहे हैं ये प्रोविजनल बेसिस पे हम देंगे, बाद में मैच मिसमैच जनरेट करेंगे, 20 तारीख के बाद में आपको हम रिपोर्ट देंगे कि मैच मिसमैच क्या आया है, वो मैच मिसमैच के हिसाब से आपका ITC रिवर्सल होगा और नेक्स्ट रिटर्न के अंदर इसको आपने करेक्ट करना है। पर अभी वैसा कोई हो नहीं रहा है, जो भी हम ITC क्लेम कर रहे हैं वो हमको मिल रहा है, उसका रिकंसिलेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में हमको 3B का करके रखना पड़ रहा है। तो अभी तो भी ये मैच मिसमैच नहीं हो रहा है इन ट्रू स्पिरिट। सिर्फ 2A और GSTR 1 ये हम हमारे लेवल के ऊपर डाउनलोड करके चेक कर रहे हैं कि 2A डाउनलोड करके मेरे परचेजेस कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कौन सी पार्टी नहीं बता रही, किसके परचेज में इनवॉइस में डिफरेंसेस है, वो हम हमारे लेवल पे कर रहे हैं। सेक्शन 42 है मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ ITC। अब ये मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम तीन इंसिडेंट्स हो गए। पहला मैचिंग, मैंने सेल बताया उसने परचेज बताया मैच हो गया, मैंने सेल बताया उसने परचेज कम बताया, मेरा सेल 10,000 का था उसने परचेस 9,000 का बताया, ये मिसमैच आ गया, उसने परचेस 9,000 का ही बताया,
तो उसने ITC तो 9 का ही लिया, पर मैंने सेल कितने का बताया 10,000, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव मिसमैच। मैंने 10,000 का सेल बताया, उसने 12,000 के परचेज बताए, ITC कितने का लिया उसने 12,000, मेरा सेल कितने का है 10,000, तो कितने का ITC ज्यादा लिया था 2,000 का रिवर्सल। ये केस में क्या होगा 2,000 का रिवर्सल। अब मेरा इनवॉइस ही सेल का डालने का रह गया था, मेरा सेल 12,000 का ही था, उसने परचेजेस 12,000 की बराबर डाले, पर मैंने सेल कितना डाला 10,000। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने 2,000 का सेल नहीं बताया, तो उसको क्या होगा 2,000 का ITC नहीं मिलेगा। फिर मैं अगले महीने में 2,000 का सेल बताऊंगा तो उसको वो ITC मिलेगा। तो तीन शब्द क्या है, मैचिंग, रिवर्सल एंड रीक्लेम। जैसे ही मैं 2,000 का सेल बता दूंगा, मुझे रीक्लेम उसका मिल जाएगा। तो ये जब तक मैच नहीं होता, जब तक ये मारामारी रिकंसिलेशंस की चलने वाली है। तो अभी कोई लोग कर रहे हैं, कोई लोग नहीं कर रहे हैं, पर प्रूडेंट प्रैक्टिस यही है कि हर महीने QA अपना देखते जाए, वो हिसाब से बुक्स में भी मैचिंग करते जाए, और इसको इंटरेस्ट का जो भी लाइबिलिटी है वो तो आना ही है। ITC ज़्यादा ले लिया आपने तो इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा रिवर्सल के ऊपर, बाद में रिक्लेम किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ITC मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट है 43 सेक्शन, मैचिंग एंड रिवर्सल एंड रिक्लेम रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का भी एग्जांपल हमने देख लिया, मेरा सेल 12,000 का था, मैंने बताया 10,000 का, तो ये 2,000 का सेल मेरे को बताना रहेगा, तो बाद में मैं 2,000 का सेल बताऊंगा, फिर उसकी टैक्स लायबिलिटी भरूंगा, वो टैक्स लायबिलिटी भरने के बाद में सामने वाले को ITC मिलेगा, तो ये दोनों साइड से मैचिंग होगी। सेक्शन 42 जो थी ये ITC की मैचिंग की बात कर रहा था, सेक्शन 43 जो है ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की मैचिंग कर रहा है। सामने वाले ने परचेज बता दिया, मैंने सेल ही नहीं बताया, तो मेरे ऊपर आएगा कि तूने सेल क्यों नहीं बताया, मैंने सेल बता दिया, सामने वाले ने परचेज नहीं बताया या गलत परचेज बताया, तो सेक्शन 42 के हिसाब से इंक्वायरी किसके ऊपर होगी, उसके ऊपर होगी। तो ये दोनों साइड से चलने वाला है 42 एंड 43, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। नेक्स्ट सेक्शन आता है 44 का, एनुअल रिटर्न का, ये हर एक असेसी को भरना जरूरी है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का जो फॉर्मेट है वो GSTR 9 दिया गया है, और बाद में अलग अलग भी दिए हैं, कंपोजिशन वालों को दिया है, ऑडिट का भी फॉर्मेट दिया है, ये सबके सब एनुअल रिटर्न अभी पोस्टपोन करके 30 जून 2019 तक उन्होंने डाल दिया है। पर यहाँ एक बात उन्होंने कर दी है कि बुक्स के अंदर कितना सेल है, कितना परचेस है, GB में कितना गया है आपका, उसको मैच करो। पर हमारे यहाँ समस्या तो कुछ और ही है, हमारा तीसरा टर्नओवर भी है GSTR 1 वाला, बुक्स के अंदर 100 है, GSTR 101 है और 3D में 99 है, तीन तरीके के टर्नओवर चल रहे हैं। अब ये पूरा साल भर का प्लस माइनस करके उसको टैली करना ये बहुत बड़ा इशू है, और पहला साल का खूब गलतियां हुई हुई है, कोई एग्जाम था तो टैक्सेबल में डाला, CGST था तो AGST में डाला, IGST था तो इधर डाल दिया, ये मंथ का था तो वो मंथ में डाल दिया, क्योंकि कोई करेक्शन का कोई भी चांस नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट रिटर्न में करेक्शन करो, जनवरी में गलती हुई कोई प्रॉब्लम नहीं, फरवरी में करेक्ट करो। मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम कहां पे था, कहां पे क्रिएट हो गया, तो महीने का रिकंसिलेशन संभाल। लॉ के और करेक्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, जहां गलती हुई है वही। अब आपका एक हाथ से काम नहीं हो रहा है तो
उस हाथ को मत सुधा, दूसरे हाथ से डबल काउंट कर, मतलब ये भी दुखना शुरू हो जाए। तो वो क्या गया, जनवरी में गलती हुई, सुधारो उसको फरवरी में। तो फरवरी का सेल कितना था, उसमें जनवरी की क्या गलती थी, उसका रिकंसिलेशन। जनवरी का सेल बुक्स में कितना था, थ्रीबी में कितना गया, उसका रिकंसिलेशन। ये रिकंसिलेशन करते करते ही चक्कर आ रहे सबको, और ये चक्कर के अंदर गवर्नमेंट को चक्कर आ रहे हैं। इसके लिए वो चक्कर के अंदर उन्होंने डेट्स पोस्टपोन करते जा रहे हैं। तो ये 30 जून के बाद में भी होगा क्या नहीं होगा, वी डोंट गारंटी। क्यों 1 अप्रैल से नए रिटर्न आने वाले हैं, उसको सीखेंगे, उसमें गलतियां करेंगे, उसको सुधारते सुधारते जून निकल जाएगा, जब तक पुराने इसका क्या करना है, ये इश्यू आएगा। 45 सेक्शन है फाइनल रिटर्न का। ये फाइनल रिटर्न क्या है, बिजनेस बंद कर दिया 15 जनवरी को ही, बिजनेस बंद कर दिया, तो 15 दिन का रिटर्न मुझे फाइनल रिटर्न बोल के डालना पड़ेगा। सिर्फ जीएसटीआर के अंदर, जीएसटी के अंदर उन्होंने 10 नंबर का फॉर्म दिया है, जो कि फाइनल रिटर्न का होता है कि भाई क्लोज कर दिया है तो आप 10 नंबर में डाल के फाइनल रिटर्न कर दो। नोटिस टू द रिटर्न डिफॉल्टर 46, जो भी रिटर्न टाइम पे नहीं भरेगा, गलत भरेगा, लेट भरेगा, कुछ भी करेगा, तो उसको नोटिस 46 के अंदर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 47, लेवी ऑफ लेट। इसके ऊपर तो जितना अपन चर्चा करें उतनी कम है। तो टैक्स इज अ फाइन ऑन ऑनेस्टी, आप शरीफ हो इसके लिए टैक्स भर रहे हो, जो बदमाश है वो, तो लेट फीस कौन भर रहा है, जो शरीफ है, जो बदमाश है उसको लेट फीस माफ है, ऐसा अपना लॉ है। क्योंकि जो आज तक रिटर्न नहीं भरे उनको लेट फीस भरने की भी जरूरत नहीं, और जिन्होंने ईमानदारी नहीं, थोड़ी बेईमानी, ईमानदार तो वही है कि जो लेट फीस ही ना भरे, 20 तारीख को रिटर्न भर दे। थोड़े बेईमान वो है कि जिसने 25 को भरा, अगले महीने भरा, 2 महीने बाद भरा, जो थोड़े बेईमान थे उनको लेट फीस लगी, जो पूरे ईमानदार थे उनको तो नहीं लगी, और जो एकदम ही शातिर थे उनको आज लेट फीस नहीं। तो ये ऐसा लॉ है, तो सेक्शन 47 बोलता है कि लेट फीस लगेगी, GSTR 1 के लिए भी लगेगी और 3B के लिए भी लगेगी। एनुअल रिटर्न के लेट फीस वगैरह अभी तो कोई इंप्लीमेंट होगा नहीं, क्योंकि उसके ड्यू डेट्स कुछ आए नहीं है, पर अगर एनुअल रिटर्न भी नहीं भरेंगे टाइम पे तो भी उसका आगे पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड लेट फीस के भी इश्यूज आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, सेक्शन 48, बड़ा कमाल का सेक्शन है। चैप्टर क्या है, सेक्शन का क्या है, आप लोगों का सेक्शन डिटेल करके क्या करने वाले प्रैक्टिस करेंगे, जॉब करेंगे, क्या डिग्री मिलने वाली है, डिटेल की, डिटेल की डिग्री लेके आगे क्या करने वाले, डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लेंगे। तो वही सेक्शन 48 में किया, भलती जगह घुसा दिया ये सेक्शन, इसको अलग करना चाहिए। तो सेक्शन 48 क्या है, द मैनर फॉर अप्रूवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, देयर एलिजिबल कंडीशन, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, रिमूवल एंड अदर कंडीशन फॉर फंक्शनिंग में बी प्रिस्क्राइब। यानी जीएसटी प्रैक्टिशनर को रजिस्ट्रेशन कब लेना है, कैसे लेना है, क्या कंडीशन है, क्या सर्टिफिकेट, क्या डॉक्यूमेंट लगाना, वो क्या कर सकेगा, क्या नहीं कर सकेगा, वो सब प्रिस्क्राइब किया जाएगा। फिर बाद में ये दिया है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो ऑथोराइज कर सकता है जीएसटी प्रैक्टिशनर को कि मेरा रिटर्न आप भरो, लेटर ऑफ अथॉरिटी दो, असेसमेंट को जाओ, मेरे को रिप्रेजेंट करो, ये सारी चीजें वो कर सकता है। पर सबसे अच्छा सेक्शन है सबसेक्शन 3 नीचे वाला, Notwithstanding anything contained in subsection 2, underline करते हो इसको,
डबल अंडरलाइन बोल्ड क्या करना है, काला नीला पीला सब कर दो इसे। The responsibility for correctness of any particular furnish in the return or other details filed by the GST practitioner shall continue to rest with the registered person on whose behalf you have filed the हाथ ऊपर यानी जो भी गलती हुई वो किसकी हुई, रजिस्टर्ड पर्सन। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, सेक्शन में लिख दिया कि देयर विल बी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर फॉर एनी एरर ओमिशन मिस्टेक एंड इट विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ यू हैव फाइल्ड द रिटर्न। एक तरीके से ये सही है, कई पुराने जजमेंट्स भी आ गए थे जहां पर टैक्स पेयर ने हाथ ऊपर कर दिए थे, बोला कि ये तो मेरा रिटर्न ही नहीं, मैंने तो ये मालूमात दी ही नहीं, ये रिटर्न मेरे सीए ने मेरे टैक्स प्रैक्टिशनर ने कैसे फाइल कर दिया मुझे पता नहीं, वो दुकान बंद करके शॉप बंद करके ऑफिस बंद करके हवाला ट्रांजैक्शन करके भाग गए, उनके सीए को उनके टीपीओ को तकलीफ हो गई कि आपने ये कहां से भरा बताओ, कहां से ये इंफॉर्मेशन लाई बताओ, तो बहुत परेशानी हो गई। तो इसके लिए लॉ के अंदर ही ये ला दिया कि कोई भी रिटर्न भरेगा जिम्मेदारी किसकी है, टैक्स पेयर की, नहीं तो क्या होता है वो उसके अकाउंटेंट का नाम दे देगा कंपनी के, ये बंदे ने मैं किया मुझे मालूम ही नहीं, सीए का नाम दे देगा, एक्सपेक्टेशन का नाम दे देगा। हम लोग तो अच्छे इंटेंशन से काम करते हैं पर सामने वाले का इंटेंशन का कोई पता नहीं होता, तो इसके लिए ये सेक्शन सब लाया गया और अपने सबके लिए अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करें, सही तरीके से रिटर्न